हाय एवरीवन, अभी मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है कि कैसे एयर पोल्यूशन यानी प्रदूषण विंटर सीजन एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ये तीनों मिलके कोरोना वायरस का स्प्रेड को अगले आने वाले दिनों महीनों में इसको बढ़ा देंगे। और इसका उदाहरण हम लोग रिसेंटली दिल्ली में देख रहे हैं, जहां आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 यानी 453 हो गया है। 50 से नीचे जो होता है उस पे आदमी आराम से रहता है, लेकिन जब भी 100 से ऊपर होता है तो सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं। और जैसे ही 200 या 300 से पार करता है, आपको पता होगा कि ये फालिज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी, डायबिटीज़, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें सांस की प्रॉब्लम, क्रोनिक लंग डिजीज, कैंसर लंग कार्सिनोमास और अस्थमा जो बच्चों में होता है हाइपर एक्टिव एलर्जी, उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा अभी एक नया के आर्टिकल में भी पाया गया है कि कुछ एयर पोल्यूशन जब बढ़ जाता है तो एयर पार्टिकल्स में, पोल्यूशन पार्टिकल्स में और फाइबर्स में भी कुछ दिनों तक वायरस जो है कोरोना वायरस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि एयर पोल्यूशन कैन हेल्प कोरोना वायरस टू ट्रेवल ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड दैट विल, उसका इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि बहुत से लोग जो है और इन्फेक्टेड हो सकेंगे। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि मेरा अपना अनुमान है और मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े कि एयर पोल्यूशन विंटर एंड इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, जो कि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कॉमन है जाड़ों में बच्चों में होने में, तो अगर कोई बच्चा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की वजह से उसको सर्दी खांसी हुई है और उसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। ये एक बच्चा 90 से 150 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पैंडेमिक। और जो है अब इसको रोका कैसे जाए, तो रोकने के लिए जो है वो 5 पॉइंट्स मैंने इस रिसर्च आर्टिकल में, जो कि द सिटीजन इन में पब्लिश भी हुआ है, इसमें जो है उसमें मैंने रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि COVID-19 और इन्फ्लुएंजा का दोनों का जांच अब स्टार्ट की दी जाए, गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए। इसके इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना चाहिए। कोरोना वायरस जो है कुछ लोगों में जब होने के बाद जो है लॉन्ग कोरोना कहते हैं इसको कर देता है, तो उसको बचाने के लिए आपको जितने भी कोरोना वायरस से जो लोग COVID-19 से ठीक हो चुके हैं उनको इन्फ्लुएंजा का आपको इम्यूनाइजेशन देना चाहिए। इसके अलावा 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और हाथ धोना बार बार आपको ज़रूरी है। 5वां पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, उसके लिए बिग पॉलिसी लाओ की ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है। और उसके लिए एक जो है जो पावर प्लांट एमिशन से यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पोल्यूशन होता है, जो रेगुलेशन ऑफ जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल से होता है, इसके अलावा जो अभी ये पाली जलाने के बात होती है उसका, और दूसरे तरीके से सॉलिड वेस्ट में नॉर्म्स जो होते हैं, सबके लिए एक आपको अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्ट्रिक्टली से उसे लागू करना पड़ेगा, तब जाके उसे रोका जाता है। यानी कि आपको पोल्यूशन को रोकना है, आपको इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का, इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जो वैक्सीन है उसका इम्यूनाइजेशन लॉन्ग टेबल पे रखना है, तब जाके हम ट्रिपल पैंडमिक को रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोग को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। तो द आर्टिकल नेम व्हाट आई हैव पुट इट, एयर पोल्यूशन वाटर विंटर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन द कॉकटेल कुड एग्जेबरेट द सीवियरिटी एंड स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन कमिंग मंथ्स, चिल्ड्रन बी बिकम सुपर स्प्रेडर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैं लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़,
झारखंड, इन सब जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यहाँ पे वायरस, चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, विंटर सीजन आने वाला है, इन्फ्लुएंजा बहुत तेज़ी से फैलता है। हम लोग जब ओपीडी देखते हैं तो ज़्यादातर जाड़े में बच्चों में सर्दी खांसी या फिर अस्थमा की, बच्चों के बसास फूलने की बीमारियां होती हैं, निमोनिया होता है बार बार जो उन बच्चों को, वो सब एग्जबरेट होता जाता है। और जो है बड़े लोगों में भी जो है जिनको लंग की प्रॉब्लम है, देखिए मुझे भी खांसी आ रही है, ये दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है इस वजह से। तो ये देखा गया है कि ये सारी डिजीजेज जो होती हैं ये जाड़े में बढ़ती जाती है। तो अगला नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने ऐसे आने वाले हैं जो इन स्टेट्स में और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सरकार को और सचेत रहना पड़ेगा, लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैं आपको सबसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी कोरोना की कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। अगर अभी सारे रिसर्च पे हैं, अगर आएगी भी तो अब से मुझे लगता है कम से कम 8 से 1 साल तक, 8 महीने से 1 साल तक लग सकता है। और अगर वैक्सीन आ भी गई तो वो वैक्सीन सबसे पहले जो है जो अमीर देश हैं वहाँ पे वो लागू होगी मुझे लगता है, उसके बाद जाके कभी हम लोग गरीब देश हैं उनमें आएगी, उसके बाद भी अमीरों को लगेगी, यानी कि जनरल पब्लिक तक जाते जाते ये कोरोना की वैक्सीन में 3 से 4 या 5 साल लग सकते। तो आपको अभी भी प्रिकॉशन, सावधानी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर आपके घर में हैं, सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाइए, आप खुद लगाइए। अगर आपके घर में कोई माँ बाप है, पिताजी और माँ है, उन बूढ़े हैं, उन सबको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाइए। और पॉलिटिकली जो ये कहा जा रहा है कि बिहार का, हालांकि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, कि बिहार में वैक्सीन कोरोना की फ्री कर दी जाएगी, मेरा अपना मानना है कि मेरी अपनी डिमांड है। और हमने उन्हें अभी जो हेल्थ फॉर ऑल लॉन्च किया है उसमें भी हमने इस बात को प्रमुखता से रखा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जब भी उपलब्ध हो तो हर किसी को, पूरे भारत में सबको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी रीजन के, सबको फ्री में मिलनी चाहिए। थैंक यू। आप अपने को इसको शेयर कीजिए और लोगों दूसरों को बताइए।